दोस्तों, अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं या फिर कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं या फिर इसके अलावा कोई नोट्स वगैरह कुछ भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं, तो दोस्तों आज की ये वीडियो पूरी देखिए, आपको आज पता चलेगा कि आप उन चीज़ों को पढ़ने के बाद में बहुत लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन पेड। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जो पढ़ते हैं उसको कैसे हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आपने अगर इस टॉपिक को YouTube पे सर्च किया होगा तो आपको हजारों हजारों में वीडियो मिलेंगी और आप यकीन मानिए कि हर एक वीडियो कारगर है, यानी कि हर एक वीडियो में बताई गई ट्रिक जो है वो लगभग सही होगी, क्योंकि ये ट्रिक सब पर काम नहीं करती और सारी ट्रिक्स को फॉलो कर पाना आपके बस की बात भी नहीं है। अगर आप एक भी ट्रिक देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत कम चांस है कि आप वो काम कर पाएं जो उस वीडियो में बताया गया है। जैसे कि कुछ उदाहरण के लिए कुछ लोग बोलेंगे, आप जो भी पढ़ते हो उसको ना किसी गाने में रिलेट कर दो, यानी कि आपने जो कुछ भी पढ़ा, अब हर एक चीज़ का गाना नहीं बन सकता, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। कुछ लोग बोलते हैं उस चीज़ को कहानी में जोड़ दो, जैसे कि आपने कोई चीज़ पढ़ना शुरू किया और आप जो है उसको कहानियों में जोड़ते जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक चीज़ को कहानियों में बना दो, क्योंकि जितना समय हमारा कहानी बनाने में लगेगा, फिर उस कहानी को याद रखने में लगेगा, उतने ही समय में हम कुछ और भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो चीज़ है कहानी बनाना, उसको कहानी बना करके याद रखना, चीज़ों के साथ में जोड़ देना, ये टेक्निक बहुत कारगर है, लेकिन हमेशा काम नहीं करती, हर एक चीज़ के साथ में काम नहीं करती। तो दोस्तों ऐसा क्या है जो हर एक चीज़ के साथ में काम कर सकता है, या फिर मेरे किस्से में ऐसा क्या रहा है, यानी कि मैंने इस चीज़ को खुद से आजमाया और मैं देखता हूँ कि मैं फिर चाहे साइंस पढ़ता हूँ या फिर मैं SST पढ़ता हूँ, मैं मैथ्स के सवाल लगाता हूँ, इंग्लिश पढ़ता हूँ, उनके रूल्स याद करता हूँ, कुछ भी होता है मैं उसको लंबे समय तक याद रख पाता हूँ और दोस्तों मुझे बार बार रट्टा लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा आखिर मैं करता क्यों? दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि आप जो भी पढ़ेंगे वो बहुत लंबे समय तक आप खुद याद रख सकते हैं। क्या करना होता है इसके लिए? करना कुछ नहीं होता है, बस अपने मन को, अपने चित्त को बहुत ज़्यादा शांत रखना होता है। अब आप कहेंगे हमारा मन तो शांत होता ही नहीं, तो आप ध्यान दीजिए इस बात को खुद से, अभी आप एक बुक उठा लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए, और जब आप देखेंगे आप बुक पढ़ रहे हैं, आप अपनी उस लाइन को पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसे बहुत से वर्ड मिल सकते हैं, ऐसे बहुत से शब्द या फिर ऐसे बहुत से लाइनें मिल सकती हैं जो आपने कभी भी सोची तक ना हो। दूसरी तरफ दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो उसी एग्जैक्ट टाइम पर, रीडिंग करने के टाइम पर हमारे दिमाग में कोई दूसरी प्रॉब्लम चल रही होती है। अगर ऐसा चल रहा है तो आप यकीन मानिए उस चीज़ को भूलना लाजमी है, वो चीज़ आप ज़रूर भूलेंगे, और तो और भूलेंगे छोड़िए, आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी। हम हिंदी भाषा तो सब जानते हैं, फिर भी हिंदी को क्यों नहीं समझ पाते? SST बहुत से लोग पढ़ते हैं लेकिन क्यों नहीं समझ पाते? क्या उसमें कोई अजीब से लैंग्वेज लिखी होती है? नहीं, लैंग्वेज वही होती है जो नॉर्मल हम लोग रोज बात करते हैं, फिर भी वो SST नहीं समझ में आती, यानी कि वो सामाजिक विज्ञान की बातें, वो इतिहास की बातें, वो भूगोल की बातें नहीं समझ में आती। मेन रीज़न दोस्तों उसका बस ये है, जब आपकी आंखें उन शब्दों को पढ़ रही होती हैं, आपका दिमाग उनको समझने की कोशिश कर रहा होता है, उस टाइम पर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ और चलने लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात सही नहीं है, तो आप क्या करिए, एक बुक उठाइए और बुक को पढ़ने बैठिए। जब आप बुक को पढ़ने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। और दोस्तों किसी भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद रखने का बस एक तरीका ये है कि आप जैसे ही उस पैराग्राफ को, उस पूरे पेज को, उस पूरे वाक्य को पढ़ने लगते हैं और आपके दिमाग में जैसे ही कोई दूसरी बात आए, आप वहीं पर रुक जाइए और फिर से उस पैराग्राफ के पहले शब्द पे चले जाइए और उसको फिर से पढ़िए। और दोस्तों जो भी शब्द आप पढ़ रहे हैं उसका इमेज अपने दिमाग पे बनाइए। अगर आपके दिमाग में इमेज नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है आप उसको डेफिनेटली भूलेंगे। फिर दोस्तों आप कहेंगे कि अब हर एक चीज़ का इमेज भी नहीं बना सकते, जैसे हमने जो चीज़ नहीं देखी, फोटोन नहीं देखा तो उसका इमेज कैसा होगा? तो दोस्तों आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि फोटोन इस तरीके का होगा। अगर मान लीजिए हम साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, साइंस में 11th क्लास की साइंस में, 12th क्लास की साइंस में साइक्लोट्रॉन जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, साइक्लोट्रॉन, एक साइक्लोट्रॉन नाम की चीज़ है, हमने तो नहीं देखा कभी, लेकिन जब हमें वो पढ़ाया जा रहा था तो 5-6 बार उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब भी पढ़ने बैठता था वो समझ में ही नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उसका ना कोई प्रकार का इमेज मेरे दिमाग में नहीं था। फिर मैंने क्या किया, एक अपने दिमाग में एक युक्ति बना ली खुद से कि हाँ फला फला चीज़ साइक्लोट्रॉन है, वो ऐसी दिखती होगी। आपका दिमाग कुछ भी कल्पनाएं कर सकता है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका दिमाग सिर्फ उतनी ही कल्पनाएं कर सकता है जितना कि आपने कभी देखा है, यानी कि जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देखते हैं
उन सारी बातों को बचपन से लेकर के छोटे पहले सपने से लेकर के आज तक की सारी बातें हमारा दिमाग एब्जॉर्व करके रखता है, और जब हम कल्पना करते हैं तो उन सारी चीज़ों में से वो अपने अपने इमेज ढूंढ करके लाता है और उन कल्पनाओं को सच बनाता है। तो यही चीज़ आपको करनी है जब आप पढ़ने बैठें, तो उस चीज़ की ना फिल्म अपने दिमाग में चलाइए। और अगर आपको फिल्म चलाने के बारे में नहीं पता है कि अपने दिमाग में हम कैसे एक मूवी चला सकते हैं, फिल्म चला सकते हैं, किसी भी चीज़ की इमेज चला सकते हैं, तो आप निर्मला, जो निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई किताब है, उपन्यास है, आप उसको पढ़िए। जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक फिल्म चलने लगेगी। काफ़ी बड़ी उपन्यास है, तो इसलिए आप एक बार में तो नहीं पढ़ सकते उसको, समय दे दे करके पढ़िए। इतने अच्छे शब्दों में वो लिखा हुआ है, मैं उसका कोई प्रमोशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वो बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब उसको पढ़ा तो फील किया कि ऐसी फिल्म होती है, ऐसी पिक्चरें होती हैं। वो मेरे दिमाग में चल रहा था, उसमें लिखा हुआ था निर्मला रो रही है, निर्मला की माता, निर्मला के पिता, उनके पति, उनके दो बच्चे, सारी कहानी मेरे दिमाग में एग्जैक्ट सेम सेम चल रही थी। और सबसे खास बात दोस्तों पता है क्या था, वो सारी कहानी कहाँ चल रही थी, जब उस कहानी में गांव का सीन बोला जाता था, मतलब उपन्यास पढ़ते समय जब गांव का सीन आता था तो मैं उसको, उस पूरे सीन को अपने गांव में रख देता था जो मेरा गांव है। उसी कहानी में जब ये सीन आता था कि वो चलने लगा, वो व्यक्ति वहां से भाग गया या चला गया, तो मुझे किसी एक मूवी की कहानी याद आने लग जाती थी और मैं उस मूवी की कहानी का सीन उसमें फिट कर देता था। जैसे मैं अपना बताता हूँ, आपके किस्से में कुछ और हो सकता है, जो आपने आज तक देखा है वो हो सकता है। जब मैं निर्मला कहानी पढ़ रहा था तो मैंने वहाँ पर तीन चीज़ें देखी। पहला, मेरे गांव के सारे सीन दिखाई दिए, क्योंकि कहानी कुछ इस प्रकार से ही निर्मला की लिखी हुई है उसमें, तो मैं ये फील कर रहा था कि निर्मला मेरे छत पर बैठी होगी क्योंकि मैंने अपनी गांव में अपनी छत देखी हुई है। फिर मैंने देखा मोटर कार में जाते हुए, तो एक पिक्चर है स्वर्गीय ऋषि कपूर की, एक पिक्चर है प्रेम रोग, तो उस प्रेम रोग में जो कहानियां थी, उस कहानी का जो चित्र था, चित्रण था, वो मेरे दिमाग में आ रहा था जब मैं निर्मला पढ़ रहा था। तो इस प्रकार से मेरे दिमाग ने खुद ब खुद ही एक कल्पना की, जिसमें मैंने ये अज्यूम किया कि मेरे गाँव जैसा गाँव होगा, वहीं पर मेरे छत जैसी निर्मला की छत होगी, मेरे घर जैसा उनका घर होगा। इस तरीके से मैंने एक कल्पना की और वो पूरी कहानी मुझे अभी भी याद है। यकीन मानिए, निर्मला की पूरी कहानी मुझे याद है, जबकि मैंने वो कहानी पढ़ी थी आज से 5 से 6 साल पहले, जब मैं पहली बार दिल्ली आ रहा था, ट्रेन में पढ़ना शुरू किया था, और तब से लेकर के फिर मैंने उसको घर पे आके खत्म किया, क्योंकि वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैंने उसको जब तक खत्म नहीं किया मैंने कुछ और काम किया ही नहीं। पहले कहानी पढ़ी यानी उपन्यास, जब भी मैं कहानी बोल रहा हूँ तो यहाँ पे कहने का मतलब उपन्यास है, तो मैंने सबसे पहले निर्मला उपन्यास खत्म किया, उसके बाद में मैंने कोई और काम किए, और आज तक वो कहानी मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं उसको अपनी रियल लाइफ की चीज़ों के साथ में रिलेट कर पाया। आपको भी दोस्तों कुछ भी पढ़ना है, आपको भी कोई चीज़ याद रखनी है, आप उसको अपनी रियल लाइफ की चीज़ों में जोड़िए। और सबसे खास बात ये है कि जो चीज़ की आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो उसको मनगढ़ंत कल्पना कीजिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। लेकिन एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात का ख्याल आपको रखना है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में कोई और बात चलने लगे तो उसको इमीडिएटली हटाइए और उस पूरे पैराग्राफ को, उस पूरी लाइन को दोबारा से पढ़िए, तभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है, शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में कुछ और चलने लग गया, हम उसको दोबारा से हटा के पैराग्राफ वापस से पढ़ना शुरू करें। और पढ़ना वापस से जरूर शुरू करना है, क्यों? क्योंकि तब आपको पूरा पैराग्राफ दोबारा से समझ में आएगा, और अगर आप दोबारा पढ़ते समय फिर भटक गए, फिर से कोशिश करिए। जब तक आपका ध्यान पूरी तरीके से उस पूरे पैराग्राफ में ना लगे, तब तक आप अगले पैराग्राफ को, अगली लाइन को टच मत करिए, सबसे जरूरी बात। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्या आपने भी किसी और तरीके से याद करने की कोशिश की है, क्या आपकी कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रहेगा ही हो, मुझे कमेंट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइए, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे और भी लोगों को पता चल सके कि आपकी कौन सी कहानी है या फिर आप कैसे चीज़ों को याद रख पाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिले या भविष्य में कभी भी मिले, तो इस वीडियो पर आकर के मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।